हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल विद चंदन यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित सोलापुर शहर के बारे में। यह शहर अपने टावल और सोलापुरी चद्दरों के ढेर सारे उत्पादन के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर भी मशहूर है। सोलापुर शहर अपने कॉटन टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पादन का एक बड़ा कमर्शियल सेंटर है, जहाँ की बेडशीट्स और गारमेंट का उपयोग हम सभी लोगों ने अपने अपने घरों में कभी न कभी जरूर किया होगा। दोस्तों, आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ का सोलापुरी चद्दर महाराष्ट्र राज्य का पहला ऐसा प्रोडक्शन है जिसे वाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने का तमगा प्राप्त है। साथ ही यहाँ पर दुनिया का दूसरा एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्पिनिंग मिल भी मौजूद है, जहाँ पर सूत कताई का काम किया जाता है। यह सर बीड़ी और सिगरेट उत्पादन में भी महाराष्ट्र राज्य के सबसे अग्रणी शहरों में से एक है। और इसके अलावा भी सोलापुर शहर में बड़े पैमाने पर अनार की खेती भी की जाती है, जहाँ पर भारत का राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र यानी NRCP का मुख्यालय भी मौजूद है। राजधानी मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर बसे सोलापुर शहर की सीमा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में से अहमदनगर, उस्मानाबाद, पुणे, सतारा और सांगली जिले से लगता है। इसके अलावा यह पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कलबुर्गी और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से भी सटा हुआ है। इस शहर का क्षेत्रफल 14,845 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर 48 लाख से भी अधिक लोग निवास करते हैं। इस शहर का टोटल एरिया को अगर इसके पॉपुलेशन के साथ बांटे यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 9,600 लोगों का जनसंख्या घनत्व तो बनता है। और बात करें यहाँ के पढ़े लिखे और साक्षर लोगों की, तो इस शहर की साक्षरता दर लगभग 83.88% है, जो महाराष्ट्र के अन्य बाकी जिलों की तुलना में कहीं बेहतर है। सोलापुर महाराष्ट्र के चुनिंदा शहरों में से एक है, जहाँ पर 75.73% लोगों की जनसंख्या के साथ हिंदू धर्म यहाँ का सबसे मेजोरिटी वाला रिलीजन है, जबकि 20.64% जनसंख्या के साथ इस्लाम धर्म यहाँ का दूसरा सबसे अधिक माना जाने वाला धर्म है। बाकी बचे धर्मों में 1.62% बौद्धिस्ट, 1.22% जैन, 0.73% क्रिश्चियन और कुछ अदर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग भी आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सोलापुर शहर की आबादी का लगभग 73% लोग मराठी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर 9% कन्नड़, 6% हिंदी, 4% तेलुगु, 4% उर्दू और कुछ लोग आपको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए नजर आ जाएंगे। वर्तमान सोलापुर शहर कभी पुराने समय में 16 गांवों का एक समूह हुआ करता था, इसलिए लोग इसे सोलापुर के नाम से जानते थे, जबकि कन्नड़ भाषा में इसे उस समय में सोनालागी भी कहा जाता था। 12वीं शताब्दी के आसपास बने शिलालेखों में इस नगर के सोनालीपुर, सोनलपुर और संदलपुर जैसे नाम होने के प्रमाण भी मिले हैं। तभी उस समय में यहाँ पर कल्याणी के कालचुरिस्ट और देवगिरी के जादवों का शासन हुआ करता था। वर्तमान का सोलापुर शहर आजादी के पूर्व अहमदनगर, पुणे और सतारा जिलों का हिस्सा हुआ करता था, जिसे 1838 में अहमदनगर जिले का सब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इसके बाद 1871 में इसे वीज का उपनगर बनाया गया और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया। और अंतिम में से 1960 में मराठी स्टेट का एक सेपरेट और फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी प्राप्त हो गया। सोलापुर शहर नॉर्थ साउथ रेलवे जोन का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जो उद्योग और व्यापार के लिए गुड ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराता है। यहाँ पर कई लघु उद्योग और मध्यम वर्गीय उद्योग के प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें कॉटन मिल्स, बीड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े सुगर कैन के मिल्स आते हैं। साथ ही यहाँ पर रेपियर टेरी ट्रेवल्स के बिजनेस को सोलापुर के इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है। सोलापुर शहर की अधिकांश भूमि पर लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ के कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भी इस जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में ज्वार, गेहूं, मक्का और गन्ना के फसल शामिल है। अभी के समय में सोलापुर शहर महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी यानी महाराष्ट्र के सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में आता है, क्योंकि यहाँ के क्लॉथ मिल और सुगर कैन मिल से उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट पदार्थ और धुएं इस शहर के वातावरण को दूषित करते हैं। इसे कम करने के लिए MPCB यानी महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गो ग्रीन के स्कीम को लॉन्च भी किया है। सोलापुर शहर इतिहास के पन्नों में भी लंबे समय तक हिंदू चालुक्य और देवगिरी के जादवों के शासकों के अधीन रहा, जिन्होंने यहाँ पर कई किले और स्मारक भी बनाए हैं। तो आइए अब जानते हैं सोलापुर शहर के कुछ धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सोलापुर शहर पहुंचकर सबसे पहले आप वहाँ के भुईकोट किले को घूम सकते हैं, जिसे 14वीं शताब्दी में आदिलशाह डायनेस्टी के समय बनाया गया था। इस किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा निर्मित है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर श्री शिव योगी सिद्धेश्वर मंदिर, विठल रुक्मणी मंदिर पंढरपुर, अक्कलकोट पैलेस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, शराब कट्ठा, सोलापुर साइंस सेंटर और मल्लिकार्जुन जैन मंदिर को घूम सकते हैं। तो फिलहाल सोलापुर शहर की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार आए तो ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।